Hello children, how are you all? I hope you all are in good health. Now we are back again to our studies and today we'll start with our English literature chapter number 7, John and the Teacher's Whistle. Okay, now in this story, it's a story about a boy and his teacher's whistle. Whistle means CT. ओके okay, इस स्टोरी में हम देखेंगे कि जॉन जो लड़का है बॉय है उसका उसकी टीचर की विसल के साथ क्या रिलेशनशिप है और क्या स्टोरी है उस स्टोरी में क्या है. तो टुडे वील स्टडी द चैप्टर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर वी विल डू आवर वर्क. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. वंस देयर वॉज एन 8 year ओल्ड बॉय जॉन. ही हेटेड स्पोर्ट क्लास. एक 8 years का बॉय है जिसका नाम है जॉन. ही हेटेड स्पोर्ट्स क्लास द मोस्ट. उसको स्पोर्ट्स क्लास मींस गेम्स का जो पीरियड होता है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है. मतलब जैसे आप में से बहुत से बच्चे हैं जब आपके क्लासेस लगते थे तो गेम्स पीरियड भी होता था तो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स यूज टू लाइक गेम्स. मतलब बहुत से बच्चों को गेम्स खेलना पसंद होता है पर जो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको गेम्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, उन्हें खेलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है. तो जॉन जो था वो उन कुछ बच्चों में से था. नेक्स्ट लिखा है, ओ माई गॉड हाउ कुड आई फॉरगेट अबाउट द स्पोर्ट्स क्लास टुडे. ओ आई एम टायर्ड आई मस्ट गो बैक होम. जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है जॉन, वो स्कूल पहुंच कर सोचता है, उसको एकदम से याद आता है कि अरे मैं कैसे भूल गया दैट टुडे इज़ माई स्पोर्ट्स क्लास. आज मैं कैसे भूल गया कि आज मेरा गेम्स का पीरियड है. मैं बहुत टायर्ड हूँ. टायर्ड मीन्स थका हुआ. आई एम टायर्ड आई मस्ट गो बैक होम. कहता है कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे लगता है आज मुझे घर चला जाना चाहिए. ओके नाउ नेक्स्ट येलो बॉक्स में वो क्या सोचता है, आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स आई विल गो बैक होम एंड टेल मॉम दैट आई हैव अ स्टमक अपसेट. क्या सोचता है वो, कहता है मुझे स्पोर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई विल गो बैक होम, मैं अपने घर वापस जाऊंगा और अपनी मम्मी से कहूंगा कि मेरा स्टमक जो है वो अपसेट है, लाइक उसको मोशंस हो रहे हैं, उसका पेट ख़राब है. ओके नाउ अब जॉन जो होता है वो घर वापस चला जाता है. जॉन वॉज अ वेरी लेजी चाइल्ड एंड ही वुड मेक सम एक्सक्यूज टू हिज मदर फॉर नॉट अटेंडिंग द स्पोर्ट्स क्लास. नीचे पैराग्राफ में लिखा है, नीचे बॉक्स में जो लिखा है कि जॉन वॉज अ वेरी लेजी चाइल्ड. लेजी मीन्स मतलब जिसको बिल्कुल खेलना कूदना बहुत सुस्त बच्चा. तो जॉन जो था वो बहुत ही सुस्त बच्चा था. ही वॉज अ लेजी चाइल्ड और वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ अपनी मदर को बताता था कि वो क्यों मतलब ताकि वो स्पोर्ट्स क्लास जो है वो अटेंड ना कर सके. मतलब ही यूज़ टू मेक सम ऑफ़ द अदर एक्सक्यूजेस, अपनी मम्मी से बोलना कि आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है, सो दैट ही कुडन अटेंड द स्पोर्ट्स क्लास. ओके अब वो अपनी मम्मी से क्या कहता है, सी द येलो बॉक्स. मॉम आई हैव अ टेरिबल स्टमक एक आई वॉन्ट टू स्लीप आई एम टायर्ड. अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मैं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा. आई वॉन्ट टू स्लीप आई एम टायर्ड. मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ. जो बेचारी जॉन की मम्मी होती हैं वो रिप्लाई करती हैं, जॉन्स मदर न्यू दैट ही मेड दिस एक्सक्यूजेस ओनली ऑन द डे ही हैड स्पोर्ट क्लास. शी वॉज वरीड एज ही वॉज गेटिंग फैट डे बाई डे. अब जॉन ने तो एक्सक्यूज़ बना दिया, वो हमेशा जब भी स्पोर्ट्स क्लास होता था हमेशा एक्सक्यूज़ करता था कि मुझे नहीं जाना है या मेरे दर्द हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है. तो जॉन की जो मदर थी शी न्यू दैट, उनको पता था दैट ही इज़ मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड स्पेशली ऑन द डे व्हेन इट इज़ स्पोर्ट्स क्लास. वो हमेशा तभी एक्सक्यूज़ बनाता था जब उसको मतलब जब उसका स्कूल में गेम्स पीरियड होता था. और वो बहुत वरीड थी. वरीड मीन्स परेशान. शी वॉज वरीड एंड ही वॉज गेटिंग फैट डे बाई डे. अब उनको क्या चिंता हो रही थी, चिंता उनको परेशानी ये हो रही थी, चिंता ये हो रही थी कि जॉन जो था वो डे बाई डे फैट, फैट मीन्स मोटा होता जा रहा था. ओके नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 55, फर्स्ट बॉक्स. नेक्स्ट डे जॉन्स मदर वेंट टू मीट हिज स्पोर्ट्स टीचर. अब नेक्स्ट डे जब होता है तो जॉन की मदर जो होती हैं वो उसके स्पोर्ट्स टीचर मतलब गेम्स वाले सर. अब आप लोगों के गेम्स वाले सर आप लोगों को पता है कौन से हैं, विपिन सर हैं. ऐसे ही जॉन के भी एक स्पोर्ट्स सर थे, गेम्स के टीचर. उनकी मम्मी कहती हैं, सर जॉन इज़ गेटिंग वेरी ओबेस एंड ही इज़ अवॉइडिंग स्पोर्ट्स, वी मस्ट डू समथिंग. ओबेस का मतलब है मोटा. वो गेम्स वाले सर से कहती हैं कि जॉन इज़ गेटिंग मोटा, जॉन जो है वो डे बाय डे मोटा होता जा रहा है एंड ही इज़ अवॉइडिंग
स्पोर्ट्स, अवॉइडिंग मीन्स मतलब वो गेम्स नहीं खेलना चाह रहा है. वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए. जॉन के सर जो होते हैं वो कुछ सोचने लगते हैं, कहते हैं आई विल डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट. जॉन के जो सर होते हैं वो जॉन से कहते हैं कि आई विल डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में ज़रूर कुछ करूँगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट बॉक्स, आफ्टर द डिस्कशन द टीचर रियलाइज दैट द बॉय नीडेड एनकरेजमेंट, सो ही थॉट अ प्लान. अब जब उसकी मम्मी से उसकी सारी बातें हो जाती हैं, जब वो वापस अपने क्लास में जाते हैं तो उनके जो सर होते हैं वो ये सोचते हैं कि जॉन को एनकरेजमेंट की ज़रूरत है. एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन, मीन्स मतलब कोई मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे को एनकरेज करे कि हाँ बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से गेम्स खेल सकते हो. ये होता है एनकरेजमेंट, जो किसी को बताए कि हाँ आप ये काम कर सकते हो. तो उनके जो दिमाग में होता है एक प्लान. क्या होता है प्लान? वो जाते हैं सारे बच्चों के पास और जाके एक अनाउंसमेंट करते हैं सी द येलो बॉक्स. हेलो चिल्ड्रन, टुमारो वील हैव अ यूनिक रेस. ड्यूरिंग लंच टाइम आई ब्लो द विसल. Whoever finishes lunch and runs to me fast will get a special prize, a big jar of chocolate. उनके सर क्या कहते हैं कि हेलो चिल्ड्रन, कल आप लोगों की एक बहुत ही यूनिक रेस होने वाली है. ओके, लंच टाइम में जो मैं एक सीटी विसल करूँगा, मतलब एक सीटी में बजाऊंगा, और जो बच्चा सबसे पहले अपना लंच फिनिश करके और सबसे पहले मेरे पास भाग के आएगा उसको एक स्पेशल प्राइज़ मिलेगा. प्राइज़ क्या है? अ बिग जार ऑफ चॉकलेट्स, मतलब बहुत सारी चॉकलेट्स. जॉन वॉज कन्फ्यूज्ड, ही थॉट ऑफ हाउ टेस्टी द चॉकलेट वुड बी, बट हाउ ही डिसलाइक्ड रनिंग. वॉट वुड ही डू? वुड ही मिस स्कूल और वुड ही रन द रेस? अब जॉन के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है. वो ये सोचता है कि सर जो चॉकलेट देने की बात कर रहे हैं, कितनी टेस्टी होंगी वो चॉकलेट्स, है ना? क्या मुझे रेस में भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? क्योंकि उसको तो रेसिंग या गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं थे. तो वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं कल छुट्टी कर लूँ स्कूल की, या फिर मैं रेस रन करूँ, मतलब या फिर मैं रेस में पार्ट लूँ. ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 56. द नेक्स्ट डे जॉन डिसाइडेड टू रन द रेस. ही न्यू इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट चॉकलेट्स वर हिज फेवरेट. अब नेक्स्ट डे जॉन के डिसाइड करता है कि भाई मुझे रेस में भागना है, क्योंकि उसको चॉकलेट्स जो थी वो बहुत पसंद थी, वो उसकी फेवरेट थी. द टीचर ब्लू द विसल हार्ड. वो अब जैसे लंच पीरियड होता है, जो सर होते हैं वो अपनी विसल को ब्लू करते हैं, अपनी विसल को बजाते हैं. और कैसी आवाज़ निकलती है? विसल बजती है फ्र, इस तरह से आवाज़ निकलती है ना, इसी तरह से एक आवाज़ निकालते हैं. एंड ऑल द चिल्ड्रन फिनिश द लंच एंड बिगैन टू रन. जॉन रैन द हार्डेस्ट एंड केम फर्स्ट. जैसे ही सर विसल ब्लो करते हैं, सारे ही बच्चे अपना लंच फटाफट फिनिश करके दे बिगैन टू रन, वो भागना शुरू कर देते हैं. जॉन जो होता है वो सबसे तेज़ भागता है, मतलब बहुत दिल से भागता है, बहुत, क्योंकि उसको वो चॉकलेट का जो जार होता है वो चाहिए होता है, इसलिए वो बहुत अपना दिल लगा के बहुत ज़ोर लगा के बहुत तेज़ी में भागता है और वो आ जाता है फर्स्ट. जॉन्स लेग वाज शेकिंग. नीचे लिखा है जॉन्स लेग्स वर शेकिंग. ही हैड रन लाइक लाइटनिंग. ही वॉज रियली टायर्ड बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट वेरी गुड. फ्रॉम दैट डे ही नेवर मिस्ड द स्पोर्ट्स क्लास एंड वेरी सून ही बिकेम अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी चाइल्ड. लास्ट में क्या होता है, जब वो रेस जो होती है वो फिनिश हो जाती है, तो जॉन जो होता है वो बहुत थक गया होता है, उसके लेग्स जो होते हैं वो शेक करने लगते हैं. ओके, लेकिन जो वो रेस में भागता है वो बिल्कुल लाइट की तरह, जैसे लाइट ब्लो करती है एकदम बिल्कुल वैसे ही बहुत स्पीड में दौड़ता है. और वो बहुत खुश होता है कि वाओ मैंने रेस जीती, मुझे चॉकलेट मिलेगी. और उस दिन से वो कभी भी स्पोर्ट्स क्लास को मिस नहीं करता है, क्योंकि वो उसका फेवरेट हो जाता है. और धीरे धीरे वेरी सून वो एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी चाइल्ड में चेंज हो जाता है. तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 7.
कि कैसे जॉन, जो बिल्कुल स्पोर्ट्स क्लास को पसंद नहीं करता था, और वो किस तरह से एनकरेज होके एक अच्छा चाइल्ड, एक हेल्दी और एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड बनता है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए, गेम्स खेलने चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके, नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ अ रीडिंग वी डू सम एक्सरसाइजेस लाइक क्वेश्चन आंसर्स, फिल अप्स, ट्रू एंड फॉल्स एक्सेट्रा। ओके,